इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असेंबली में अक्सरियत से मंजूर। अयाज सादिक की सदारत हेठ कौमी असेंबली जो इजलास। बिलाल अजहर कयानी तरफा कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट बिल पेश किया वो। मुखालिफ धुर तरफा बिल की मुखालफत। ऐवान में गोड़ बिल जो कापियों फाड़ी छदियों। जो शख्स टे ढी में कें जमायत में शामिल थे तो कें भी जमायत में न वही सो। जै पार्टी की का सीट ना उ मखसूस सीटू हासिल न कर सी। बिल जो मतन डिजिटल दहशतगर्दी अस हाँ बर्दाश्त न कंदी। नव मई के जिम्मेवार के सजा मिलन घुर्जे। नफरत पखेड़ींदड़न के हर भेरे ऐवान में आंदो वे तो। इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिनों पे वे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ है। कानून ठाण पार्लियामेंट जो कम है अदालतों जो न। पाकिस्तान जा मसला एक शख्स का ऐवान में सिर्फ तकरीर न पर अवाम के मसलन से गाल बोल थियण घुर्जे। पीपीएम ने शाजिया मरी जो कौमी असेंबली में खिताब चयाई। नफरत विरहांगे जो गालियों कंदड़ मोहबे वतन नाहिन। पाकिस्तान जे इस्तेकाम लाए हर कीमत अदा कंदासी। बंग्लादेशी शागिर्दन की तहरीक जो मुल्क में फौजी या सदारती हुकूमत के कबूल करण का इनकार। पैं तजवीज़ों पेश कर छदियों। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत के क्याम जो मुतालबो। बंग्लादेशी शागिर्दन सदर शहाबुद्दीन के पार्लियामेंट टोड़ने जो चिताव दई छो। शागिर्दन जो चवण है तो पार्लियामेंट न टोड़ी वही तो सख्त कदम खणंदी। बंग्लादेश के नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस हसीनावाजी के इक़्तदार के खात्मे का मुल्क के आज़ाद करार दई छो। अमरीका तरफा बंग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क्याम की आजिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान मैथ्यू मिलर चाहे है तो गुजल हफ्तन दौरान केतर हयातियों जया थी। असं धुरियन के तशद का पासो करण की अपील करूं था। अड़ा इतला बंग्लादेशी फौज मुजाहरीन से क्रैकडाउन के दबा के मनण का इनकार किया। हकीकत है तो फौज क्रैकडाउन के मुतालबे से मुजाहमत कई तो हाकारी अग भराई होंगी। चाहूँ था तो इक़्तदार की मुंतकली बंग्लादेश के कानून मौजिब हो। बंग्लादेश के अगूणे वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के भारत में महफूज हंध रिहाइश दिनी वही। शेख हसीना की बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करण ताई संदस भारत में रहण जो इम्कान। बंग्लादेशी मीडिया मौजिब शेख हसीना की नई दिल्ली में रहंदड़ पेंजी धी साइमा वाजिद से भी मुलाकात जो इम्कान है। इन खां अग बंग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर जरिए भारत पहुंची हुई। हलंदड़ महीने की आखिर ताई आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदो थी वो। पाकिस्तान में आबादी तमाम घनी वधी वही है। मुल्क में आबादी जो बम फाटी चुको है। मुल्की मुआशी सूरतयाल के बेहतर करण लाए बजट टैक्स निज़ाम में बेहतरी आननी पवी। नानेवर वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब जो तकरीब के खिताब चयाई। पाकिस्तान मौसमी तब्दीली सबब दुखियान के मुंह डे रो है। मौसमी तब्दीली सबब बोर जो तबाहकारियों थियन। कें भी तरक्याती कम में देर न थियण घुर्जे। पाकिस्तान के आबादी के कंट्रोल करण लाए असरायता कदम खणना पवंदा। सिंध हुकूमत तरफा कराची के अवाम ई मुसाफिरन लाए वरी खुशखबरी। कराची शहर में बस अड्डन के बाहर मुंतकिल करण ए मुसाफिरन के मुफ्त शटल सर्विस फरहम करण जो फैसलो। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमण की सदारत हेठ आला सतही इजलास। शर्जिल इनाम मेमण पारा बस अड्डन के फौरी तौर से तरजीही बुनियादन से शहर का बाहर मुंतकिल करण की हिदायत। शर्जिल इनाम मेमण चवे तो पुरान बस अड्डन त मुसाफिरन लाए मुफ्त शटल सर्विस हलई वी। मुसाफिरन के टर्मिनल ताई पहुंचाण लाए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त का शुरू कई पी वे। परियन गाड़ियों की अचवन सबब शहर के परेशानी थे थी और रोडन से भी दबाव वधे तो। कराची बस टर्मिनल में मुसाफिरन लाए जदीद सहूलतू फराहम क्यों पी वन। कैंट स्टेशन सगीर शहीद रोड एम ए जिना रोड और अलकरम स्क्वायर का शुरू कई वी।
मुल्क के मुख्तलिफ़ शहर में बोडवारी सूरतहाल घर फसल बागन के नुकसान गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान सिंध के केतर ही इलाक में केतराई गोठ पानी हेठ हजारे एकड़न से बीठल फसल के नुकसान बिजली की फराहमी भी मुअत्तल मुतासर गोठन में इमदादी कार्रवाई जारी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक में सावणी की बरसात शहदादपुर झोल ठरी मीरवा चौदगी गुपचाणी में वक्फे से बरसात हेठाई वा इलाका पानी हेठ मवासिलाती निज़ाम मुतासर होने सबब शहर की मुश्किल में इजाफो दादू में नए गाज में पानी की सतह 10 फुट थी वही खैरपुर में नसीर फकीर जलालानी वेझो पानी वहकरन सबब हिफाजती बंद टुटी पयो भरपासे वा इलाका पानी हेठ चंडो आदम वेझो रोड़ी कैनाल के लगल खंड बधजी वो खंड के बंद करण का पोए बंद की मजबूती लाए कोशिशों जारी अगूणो एमएनए नवी डेरो चीफ इंजीनियर सखर मंसूर मेमण खंड की निगरानी लाए मौजूद टंडो रहीम खान जी खीर थर जाबलू पट्टी ते तेज बरसात बाद मुख्तलिफ नए वहकरन में इजाफो काछे में बोर जड़ी सूरतयाल बरकरार केतराई गोठ पानी हेठ अची व्या खाद खुराक की शयन की खोट हुकूमत पारा का भी वाहुर न कई वही सेवण में मंछर डंड में पानी की सतह 110 फुट 8 आर एल तक पहुंची वही 24 कलाकन दौरान मंछर डंड की पानी की सतह में 1 फुट जो इजाफो आपाशी खाते जो चवण है तो मंछर डंड में पानी की गुंजाइश 130 फुट तक है खतरे की का भी गाल ना है मंछर डंड जा बंद मजबूत हैं काजी मनभरसा गोठ शहमीर खोस के बिन धुरी में जमीन के मामले त हलदड़ तकरार जो जिरगो खूनी तकरार जो जाम चंगेज उन्न मोहम्मद खान जुणे जो सरपंची हेठ जिरगो थो बिन्ही धुरी में चैन खूनन जो मजमू तौर 2.5 करोड़ रुपया डंड विधो हो लखी गुलाम शाह भरसा बिंदरिन में छिकताण तेज फायरिंग में नौजवान कतल दायम मलिक थाने की हद में झेड़े दौरान नौजवान मोहम्मद नवाज महर मारी वो इतला से पुलिस पहुंची मकतूल जो लाश अस्पताल पहुंचाया जिता जरूरी कार्रवाई बाद वारस हवाले घोटकी के आदिलपुर थाने की हद में पानी के वारे से बिंदरिन में झेड़ो फायरिंग में नौजवान तनवीर हुसैन कलोड़ो मारी वो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारस हवाले शहदादपुर वेझो कुंभ डाणू रेगुलेटर वट वहजन में बुरी वल नौजवान जो लाश है गोठ बहादुर कलोई वासी यानी सुरहमान लाखो जो लाश 48 कलाकन का पोई मिली वो नौजवान जो लाश रोड़ी कैनाल के पयल घारे वाले हंध त मिलो मदेजी में गोठान जो वधंदड़ बदमनी खिलाफ धरणो गोठ गाहे जाजे रहवासियों जो पुलिस नाजायजन खिलाफ सखर लाड़कानो रोड ते धरणो गोठान जो चवण है तो बदी पैरियां घर में मेह चोरी थी हुई पुलिस एफआईआर दाखिल न कर रही है जैसी तई एफआईआर दाखिल जवाबदार गिरफ्तार न थींदा तेसी तई संदन धरणो जारी रहंदो इराक में अमरीकी फौजी अड्डे से रॉकेट हमले में केतराई अहलकार जख्मी अमरीकी अहदेदार हमले की तस्दीक करे छी अमरीकी अमलदार मौजिब हमलो अल असद एयरबेस से थो ब रॉकेट फायर किया व्या नुकसान जो जायजो वी रहा हूँ अमेरिका विच ओभर में छिकताण घटाने ला सफारती कोशिशों कर रो है सभी धुरन से जोर दिनों है तो वे छिकताण के वधाने का पासो कन यो अहम है तो गजा में जंगबंदी जो माहिदो तय थी वे अमरीकी परदेही वजीर एंटोनी ब्लिंकन जो बयान
संदस चवण है तो धुरियों मुआहदे पहुंचने लाइ रस्ता गोल्हन इनकार या देर न करण घुर्जे।